हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप सबके अपने चैनल अरहान एंटरटेनमेंट। मैं हूँ राशि से। तो आज हम लोग बात करेंगे एक्सट्रैक्शन, जो कि नेटफ्लिक्स पे आने वाली फिल्म है, जिसमें हमें नजर आते क्रिस हेम्सवर्थ यानी कि हमारे थॉर। अब मैं इसके लिए बोल रहा हूँ थॉर, क्योंकि हमारे इंडिया में क्रिस हेम्सवर्थ बहुत ही फेमस है थॉर के नाम से, और सिर्फ इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फेमस है। खैर, इस मूवी की बात करते, इस मूवी का नाम है एक्सट्रैक्शन। देखिए, अभी फिलहाल उसका ट्रेलर आया, तो चलिए बात करते इस ट्रेलर की। तो ट्रेलर में हमें नजर आते क्रिस हेम्सवर्थ, जिसका इस मूवी में नाम होने वाला है टेलर। वो एक तरीके की सोल्जर है, यानी कि वो पहले पास्ट में कोई सोल्जर थे, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसी ट्रेजेडी हुई जो कि आप इस ट्रेलर में भी देख सकते हो, यानी कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी का कुछ तो ऐसा हुआ जिसकी वजह से उन्होंने वो जॉब छोड़ के अब लोगों को रेस्क्यू करने का मिशन करते हैं। अब मैं आपको बता, रेस्क्यू करने का मिशन वो बहुत ही बड़े लेवल पे करते हैं, क्योंकि वो एक सोल्जर रह चुके, तो उनको सब कुछ पता है गन कैसा चलाती है, किस तरीके से एक सोल्जर रहता है। आपको तो पता है कि वो भाई कितने स्किल्स रहते हैं, उनमें कितनी एबिलिटीज होती है, तो इस वजह से वो बहुत ही बड़े बड़े मिशन करते हैं। तो इसी वजह से उनको एक मिशन सौंपा था, वो मिशन सौंपता है इंडिया का बड़ा ड्रग लॉर्ड, जिसका रोल यहां पे प्ले कर पंकज त्रिपाठी। उसका बेटा किडनैप हुआ था, उसका बेटा किडनैप होकर उसको लोग ढाका यानी बांग्लादेश लेके चले जाते हैं। बांग्लादेश में उसको किडनैप कोई और नहीं बल्कि बांग्लादेश का एक बड़ा ड्रग लॉर्ड करता है, यानी कि यहाँ पर दो बड़े ड्रग लॉर्ड के बीच का वॉर बताया। लेकिन उसमें किस तरीके से क्रिस हेम्सवर्थ फंस जाता है और वो बांग्लादेश में किस तरह से बाहर निकलेगा, बेसिकली ये इस मूवी की कहानी होने वाली। खैर, उसके अलावा ट्रेलर में देखो तो बांग्लादेश में जब वो बच्चे के साथ होता है, तब क्या सिचुएशन होती है कि बांग्लादेश में अचानक से लॉकडाउन हो जाता है। अब लॉकडाउन होने के बाद आपको तो पता है कि कोरोना वायरस चलते हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन, तो इंडिया में लॉकडाउन होने के बाद किस तरीके की सिचुएशन होगी, तो आपको पता हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। तो वैसे ही बांग्लादेश में जब वो बच्चे के साथ फंस जाता है लॉकडाउन में, और आपको बताया कि अब वो बांग्लादेश में और वहां के बड़े ड्रग लॉर्ड से भीड़ रहता है, उसके बाद वहां से निकलना क्या उसके लिए आसान होगा, तो उसके बाद कहानी में क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने मिले, ये तो आप इस फिल्म में ही देख लेना। खैर, फिलहाल उसके अलावा हमें इस फिल्म में और भी बड़े एक्टर्स देखने मिलते, जैसे रणदीप हुड्डा, और ऐसा सुनने में आया कि मनोज वाजपेयी का भी इसमें कैमियो रोल है, जो कि मुझे पर्सनली ऐसा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मनोज वाजपेयी की जगह यहाँ पर दूसरा एक्टर हमें देखने मिलेगा। वो तो एक सस्पेंस है या तो फिर एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी हो सकता है जब ये फिल्म रिलीज होगी। क्या रणदीप हुड्डा की बात करो तो रणदीप हुड्डा हमें एक सीन में तो नजर आते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो बांग्लादेश के ड्रग माफिया के कहने पर उस बच्चे को मारने के लिए गए, लेकिन उनका सीन एक या दो से ज्यादा तो होना मुझे पर्सनली नहीं लगता। उसके अलावा डेविड हार्बर भी हमें नजर आते हैं। डेविड हार्बर में आपको बता दूं, हमें हेल बॉय में नजर आ चुके हैं और स्ट्रेंजर थिंग्स में भी, तो वो इस मूवी में क्या रोल प्ले कर, आई थिंक वो CIA के एजेंट का रोल प्ले कर रहा है, या तो क्रिस हेम्सवर्थ यानी टेलर का कोई फ्रेंड होगी, या तो फिर वो भी एक तरीके के सोल्जर होगी। अभी वो कुछ क्लियर है नहीं, और उनका इस मूवी में कितना बड़ा रोल है वो भी मुझे पर्सनली कुछ भी ट्रेलर देख के आइडिया नहीं हो रहा। फिलहाल तो मैं इतना कह सकता हूं कि ये मूवी की कहानी तो बस जो मैंने बताया वही होगी, लेकिन बहुत जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा एक्शन होगी, क्योंकि इसके जो डायरेक्टर है सैम हार्ग्रीव, वो एक स्टंट कोऑर्डिनेटर है चुके मार्वल की मूवीज में, तो आप समझ लो स्टंट कोऑर्डिनेटर है, जब वो फिल्म को डायरेक्ट करेगा तो उसमें किस लेवल के एक्शन देखने को मिले, क्योंकि देखिए हर एक बंदे की जो स्किल्स होती है ना वो उसके काम में आपको नजर आती है। तो भाई स्टंट कोऑर्डिनेटर है, तो भाई इसमें फिल्म में एक्शन तो भर भर के होगी, और ट्रेलर में तो हमें साफ समझ में आता है। उसके अलावा इस फिल्म को प्रोड्यूस किया रूसो ब्रदर्स ने। अब रूसो ब्रदर्स, जिसको नहीं पता, कोई लोगों को नहीं पता था, मैं आपको बता दूं रूसो ब्रदर्स भाई बहुत बड़े डायरेक्टर है, मार्वल की एवेंजर एंड गेम, एवेंजर इन्फिनिटी वॉर, सिविल वॉर फिल्मों को डायरेक्ट किया। मैं इतना कहता हूं कि भाई इस मूवी को तो हमारे इंडिया में बहुत लोग देखे, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ के फैन बहुत ज्यादा, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर हमारे इंडियन स्टार भी देखने को मिलेंगे, जैसे रणदीप हुड्डा, पंकज त्रिपाठी और शायद मनोज वाजपेयी। तो इस वजह से जो इस फिल्म का जो क्रेज है हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो अगर आपको इस मूवी का रिव्यू चाहिए, सबसे पहला चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये मूवी इसी मंथ में रिलीज होने वाली, तो हम उसका रिव्यू जरूर करेंगे। तो बस यार इस वीडियो में इतना, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जो साथ ही बेल आइकन उसे भी कर देना प्रेस। तो मैं मिलूंगा आपसे कल किसी नए वीडियो में, दिल से दुआ में याद रखता, मैं हूं राशि शेख और आप सब है अरहान एंटरटेनमेंट। तो